तो मेरे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ, हमेशा शादाबाद रहें, कोई दुख तकलीफ़ आपके पास ना आए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ मीठे में, वो है जी चकवाली हलवा। तो देखिए जी, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है जी, 2 कप मैंने सूजी ले लिया है, 4 से 5 अदद मैंने इलायचियाँ ले ली हैं, और 2 कप सूजी है, तो इसमें हम वज़न चीनी डाली जाएगी। देखिए 2 कप चीनी लेनी है। दो कप चीनी हम रख लेंगे। उसके बाद जो सूजी है, इसमें हम 1 गिलास पानी डाल के इसको पहले भिगो के रख लेंगे 5-10 मिनट के लिए ना। ये देखिए, जब तक हमारी चास बन के तैयार होगी हम इसको भिगो के रख देंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है और दाल भी तकरीबन हमारी आधी बन चुकी है। इस दौरान हम आधा घी डाल के इसे पकाएंगे, ताकि ये आधी ये पहले बन गई है, घी का भी जायका चेंज हो जाए। और ये तकरीबन 15 से 20 दिन, महीना भी आप इसको रख सकते हैं। ये कभी हलवा ख़राब नहीं होता, चाय के साथ या जैसे भी आपका दिल चाहे आप इसे सुबह नाश्ते में भी गरम गरम खा सकते हैं। लेकिन बीच में क्योंकि ये पानी नहीं होता तो ये तकरीबन काफ़ी अच्छे तक चल सकता है। आप थोड़ा सा निकालें गरम करके, ये देखिए इस तरह से, ये देखें घी भी हमारा अच्छे तरीके से इसका जायका चेंज हो जाएगा चाट के साथ। ये चाशनी हमारी बन के तैयार है। ये देखिए इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं क्रिएटिव एम एम, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कैसे ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये सूजी। ये देखिए मैंने इसका पानी उतार के उतार दिया है जो ऊपर था। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। इस अरसे में आप तकरीबन इसमें इसको मुसलसल हिलाती जाएंगी, रोकना नहीं है ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बनें और बिल्कुल दानेदार और मज़ेदार हलवा बन के तैयार होगा। अगर आप 1-2 किलो बना रहे हैं तो जितनी आपकी सूजी होगी उस हिसाब से ही आपने चीनी डालनी है। अगर आपके पास 1 किलो सूजी है तो आप 1 किलो ही चीनी डालेंगी, हम वज़न ही डाल दिए। और उसके बाद अगर और घी तकरीबन 1/2 किलो घी डलेगा इसमें 1 किलो में, और 1 किलो ही चीनी डलेगी, 1 किलो ही सूजी। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ा के इसकी रखना चाहती हैं, इसकी मकदार बढ़ाना चाहती हैं, 2 किलो है या 5 किलो है, तो उसके हिसाब से या वज़न के हिसाब से ही चीनी डालेंगी। बहुत ही परफेक्ट और दानेदार हलवा बन के तैयार होता है। ये देखिए ये इसको हिलाते जाएंगे और इस दौरान ही इसकी भुनाई होती जाएगी और बहुत ही ये मज़ेदार और लजीज बन के तैयार होगा। देखिए साथ साथ इसकी भुनाई होगी। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप सूजी डाल लेंगी तो इसको मुसलसल हिलाना है ताकि ये साथ साथ इसकी हर तरफ से इसकी भुनाई होती रहे। ये
मेरे पास 2 कप सूजी थी तो मैंने इसमें 1/2 कप घी शामिल किया है और 2 कप चीनी डाली है। आपने अगर बड़े मकदार बढ़ा के बनानी है जैसे किलो 2 किलो या 5 किलो 3 किलो तो उसके हिसाब से आप अगर किलो में 1/2 किलो घी डालिएगा और चीनी हम वज़न रखनी है तो इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। ये देखिए ये आप इस वक्त इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तभी ये, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दानेदार बनेगा। तो आँच आपने हल्की रखनी है ताकि अच्छी तरह हमारी जो सूजी है वो भून जाए। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप, आजकल अफरा तफरी का दौर है, किसी चीज़ में बरकत नहीं रही, खैर बरकत के लिए आप जब भी आपके घर में राशन आए या आपके किसी सरबराह की तनख्वाह आए तो आप उसके ऊपर 129 बार सूरह कौसर पढ़ लिख के दम कर देंगे तो वो इंशाल्लाह खैर और बरकत रहेगी और राशन में भी बरकत होगी और तनख्वाह में भी इंशाल्लाह। ये मैंने खुद आजमाया है, आप भी आजमा के देखिएगा। ये देखिए ये हमारा हलवा बन के तैयार है। ये देखिए देखिए कैसे दानेदार हो गया, मैं आपको डिजर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा हलवा बन के तैयार है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिव MM, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।